तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार हिंदी स्टोरी के माध्यम से जो है ना, आपको हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो आज का जो स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी, बंदर और सुगरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो है ना प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, यानी जो हिंदी का शब्द है लिखा हुआ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और इसमें जो मात्रा लगाया ना इसको भी देखिएगा, और जो आधा अक्षर है उसको भी ध्यान रखिएगा, ताकि पढ़ने के साथ साथ जो है ना आपको लिखना भी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, सुंदर वन में ठंड दस्तक दे रही थी, सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था, और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी, और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई, और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुगरी भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो, तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास
करने लगा थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत। सुगरी ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एक दम चुप, अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो, ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था, बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सुगरी से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसे दुनिया भर
की नसीहत देने लगते हैं। वयस्क होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। हम एक शुभचिंतक के रूप में उसे एक आध बार सलाह तो दे सकते हाँ, पर उसकी किसी कमी के लिए बार बार कोसना हमें सुगरी चिड़िया की हालत में पहुंचा सकता है। इसलिए किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए, पर उसे बेकार के उपदेश मत दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में बस इतना ही। आज का स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करते रहें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में एक न्यू स्टोरी के साथ।